हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 98 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड मिसलिनियस क्वेश्चन है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी में पटना से। जो लोग हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं, राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है हम लोगों का, कि बोल रहा है एलोकेटिंग लेबरर्स इज अ टफ वर्क टू डू। ठीक है, लेबरर्स को एलोकेशन करना इज अ टफ वर्क। ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं। आगे देखो मेन सवाल क्या है। ए पर्टिकुलर वीविंग सेक्शन हैज 20 लूम्स, टोटल कितने लूम्स हैं, 20 लूम्स विथ 5 लेबर, जिसपे 5 लेबर्स काम कर रहे हैं। लूम इफिशियंसी 75%, लूम की इफिशियंसी कितनी है, 75% है। द प्रोडक्शन ऑफ अ लूम एट 100% इफिशियंसी इज 10 मीटर पर आवर। ठीक है, जब 100% उसकी इफिशियंसी रहती है तो उसकी ओरिजिनल इफिशियंसी क्या है, 10 मीटर वो एक घंटे में प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, 75% वर्क कर रही है, तो 75% जब वर्क करेगी तो 75% में कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। सैलरी ऑफ अ लेबरर इज 11,000 पर मंथ। हर एक लेबरर का जो सैलरी है वो कितना है, 11,000 पर महीना, एक महीने का 11,000। आई रिमूव्ड वन लेबरर ड्यू टू विच द इफिशियंसी केम डाउन टू 70%। मैंने एक लेबर को हटा दिया जिसके वजह से मेरा इफिशियंसी क्या हो गया, 70%। यानी पहले केस में हमारा इफिशियंसी 75% था, दूसरे केस में हमारा इफिशियंसी क्या हो जा रहा है, 70%, यानी कितना, 7 मीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाउ मच डू आई गेन और लॉस, मैंने कितना कमाया लॉस किया ड्यू टू दिस एक्शन, एक लेबर को हटाने की वजह से, ये पूछ रहा है हमें सवाल में। और फिर आगे क्या दिए हुए है, एज्यूम डैट द प्रॉफिट ऑन 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ पे जो हमको प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ₹4। ठीक है, कितना रुपया होता है, ₹4 होता है। एंड द लूम्स आर वर्किंग फॉर 30 डेज इन अ मंथ, एक महीने में 30 दिनों तक काम करती है, और हर दिन कितना काम करती है, 10 घंटा पर डे। ठीक है, हर दिन कितना काम करती है, 10 घंटा, और टोटल कितना दिन काम करना होता है एक महीना में, 30 दिन। यानी कि एक महीने में टोटल उन लोगों को कितना काम करना होगा, 30 गुना 10 दिन। ठीक है, अब चलो पहले केस में देखते हैं। पहले केस में क्या है, टोटल कितने लूम्स हैं, 20 लूम्स हैं। ठीक है, और एक लूम का इफिशियंसी दिए हुए यहाँ पे क्या, कितने इफिशियंसी से कर रहे हैं, 75%, डेट इज कितना, 7.5 मीटर पर आवर। सारा यूनिट भी ध्यान में रखना है, मीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पे, फिर मीटर पर आवर हो गया, कितने दिनों तक उन लोगों ने काम किया, 30 दिनों तक, और हर दिन कितना काम कर रहे हैं, 30 दिनों तक उन लोगों ने काम किया, एक महीने में 30 दिन तक, और हर दिन कितना काम कर रहे हैं, 10 आवर पर डे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 आवर बटा में एक दिन। ठीक है, देखो यहाँ से डे डे खत्म हो गया, आवर आवर खत्म हो गया, तो यहाँ से जो मेरा फाइनल यूनिट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीटर में मिलेगा। यानी कि पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 × 2 करेंगे तो 15 × 3 = 45, यानी कि 45,000 मीटर क्लॉथ जो है पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रेडी किया। ठीक है, दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है हमारा, कि एक लेबर चले जाने से इफिशियंसी कितनी जा रही है, 7 मीटर पर आवर। यानी कि लूम्स तो वही के वही है, काम तो लूम ही कर रहे हैं ना, 20 × 7 × हमारा हो जाएगा 30, और फिर सेम चीज़ इंटू क्या हमारा, 10। ठीक है, सारा यूनिट उसी तरीके से कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ से सब सॉल्व करेंगे, 7 × 2 = 14, 3 = 42, यानी कि 42,000 मीटर क्लॉथ जो है वो हमारा जो है कट इस सेकेंड कंडीशन में निकलेगा। ये कब निकलेगा, जब मैंने एक लेबर को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्शन देखो, जब मेरे पास 5 लेबर थे तो मेरे पास हो रही थी टोटल 45,000 मीटर क्लॉथ, जब मेरे पास 4 लेबर्स हुए तो मेरे पास क्या हुआ, 42,000 मीटर क्लॉथ, तो ऑब्वियस है मुझे लॉस हुआ है। तो जो प्रोडक्शन में कमी आया, वो प्रोडक्शन में कमी कितने का आया, देखो प्रोडक्शन में जो डिक्रीज हुआ है हमारा, वो डिक्रीज कितने का हो रहा है हमारा, 45,000 हम लोग पहले प्रोड्यूस कर रहे थे और अब कर रहे हैं 42,000, यानी कि लिटरली मुझे 3,000 मीटर का क्या हो रहा है, हर मंथ का डिक्रीज मिल रहा है कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में। ठीक है, तो प्रोडक्शन में जब हर महीने का 3,000, हर महीने प्रोडक्शन में क्या हो रहा है हमारा, 3,000 का डिक्रीज हो रहा है। तो जो डिक्रीज हो रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, कि 1 मीटर में पहले मुझे 4,000 रुपया मिलता था, तो 3,000 में मुझे 3,000 मीटर पे मुझे कितना मिलेगा, 3,000 गुने में कितना, 4। ठीक
ठीक है, यानी कि 12,000 रुपये का मुझे हर महीने क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो 12,000 रुपये का हर महीने जब लॉस होगा, तो मुझे अब पूछा है कि मेरा एक्चुअल लॉस क्या हुआ था। देखो एक्चुअल लॉस कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि एक्चुअल लॉस हमारा 12,000 का हो रहा है, ठीक है, कपड़े के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने क्या किया, एक लेबरर जिसकी सैलरी 11,000 थी उसको भी तो हटा दिया, तो वो 11,000 भी तो आपका कम हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से आप 12,000 का लॉस कर रहे हो और यहाँ से 11,000 का गेन कर रहे हो। ठीक है, तो जो एक्चुअल लॉस होगा वो क्या होगा, 11,000 इसमें घटा दो, यानी कि कितने का लॉस होगा आपको, टोटल 1,000 रुपये का लॉस होगा। और इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर क्या है, लॉस ऑफ रुपीज़ कितना, 1,000। ठीक है, और इस सवाल का जो आंसर है वो है यही। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।